हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही शानदार अनबॉक्सिंग लेके आए हैं जो कि आप लोगों को पसंद आएगी और मैं भी इसको एंजॉय करूंगा बनाते हुए इस वीडियो को। तो काफ़ी लोग अब गेस कर रहे होंगे कि यार ये जो परफ्यूम है इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा है। नो, ये तो मैंने वैसे ही एज ए बैकग्राउंड में रख दिया है। जो असल अनबॉक्सिंग है वो है आज की इन्फिनिक्स नोट 7। आई नो ये बहुत पुराना फ़ोन, मतलब कि पुराना हो चुका हुआ है और अनबॉक्सिंग बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन गाइज क्या करूँ मैं, यस क्या करूँ मैं, काफ़ी ये पुरानी मैं बहुत देर बाद मैंने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस डिवाइस की। ठीक है, काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका हुआ है लेकिन घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं ले आया हूँ तो प्लीज़ इसको इन्जॉय करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें टू द माई चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर खेल अब इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर बेसिकली आते हैं दो वेरिएंट्स। एक आता है 128 6 GB और एक आता है 128 4 GB। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 128 4 GB और ये मुझे इजीली 25,000 का आराम से मार्केट के अंदर मिल गया। ठीक है, जो 128 6 GB है आई गेस उसकी कोई 28,000 कुछ प्राइस है ऑफिशियल और इसकी कुछ है 26, तो ये मुझे मार्केट में 25 का मिला है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये 128 GB 4 GB स्टोरेज की आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस ये वाला वेरिएंट मेरे पास था अवेलेबल और मैंने फिर यही लिया मजबूरन, वो भी बोलिविया ब्लू कलर है। लेना मैं चाह रहा था ईथर ब्लैक लेकिन जो अवेलेबल था यार अब मैं क्या करता। तो इन्फिनिक्स नोट 7 और इधर हमें कुछ एक फीचर देखने को मिल गया, 6.95 इंच इसका डिस्प्ले है, अराउंड 7 इंच डिस्प्ले ही हो गया। और DTS साउंड, चलो इधर क्या लिखा है, नोट 7 और इधर भी नोट 7। पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन उन्होंने ज़रूर की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मेमोरी 128 4 GB जब भी मैंने बात किया है। प्रोसेसर जो है ये बहुत अच्छी डिवाइस है 25,000 के अंदर। प्रोसेसर इसके अंदर G70 यूज़ हुआ है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर बहुत अच्छा है। और रेजोल्यूशन इसके जो है वो 720p है। ठीक है यार फोकस हो जा। और 6.9 इंच का HD+ इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है और बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh है, एंड्रॉयड 10 है, 16 MP का फ्रंट कैमरा है एंड रियर कैमरा द मोस्ट लाइक एक चीज़ है वो है 48 MP के अंदर। इस प्राइस के अंदर उन्होंने ऐसे फीचर्स दिए हैं इन्फिनिक्स ने जो कि हैरान कन फीचर्स हैं। ठीक है, आपको पहले एक गेमिंग प्रोसेसर मिल गया बहुत अच्छा, आपको मेमोरी आपको बहुत अच्छी मिल गई है, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh मिल गई है, सेकंड आपको रियर कैमरा 48 MP विद 5 MP मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर्स मिल गए हैं। ठीक है, और 18 W की फास्ट चार्जिंग। यार सारे जो हैं आपके लाइक यंगस्टर्स हैं अराउंड 20, 22, 18, तो उनको ऐसी डिवाइस ही चाहिए होती है और ऐसी डिवाइस सिर्फ 25,000 के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी डिवाइस है। ठीक है, बेसिकली इसके आप देख रहे होंगे सील सूल कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसको ख़रीदा है, हफ्ता हो गया मुझे ख़रीदा हुआ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू भी दे सकूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर यही सारी स्पेसिफिकेशंस विद दिस प्रोसेसर, मेमोरी, बैटरी, फास्ट चार्जिंग 18 W की, एंड्रॉयड 10 विद कैमरा, एवरीथिंग, अगर आपको सैमसंग और हवावे के अंदर आप जाओ इनको ये स्पेक्स हवावे और सैमसंग के अंदर ढूंढो तो आपको ये बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर मिलता भी है तो आपको फिर मिलेगा ऑफ अराउंड 50-60,000 rupees के अंदर क्योंकि वो ब्रांड का नाम लेते हैं। तो नीचे भी कुछ स्पेसिफिकेशंस मार्क की गई हैं, इन्होंने किए हैं मार्क। ठीक है, तो अभी इधर हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन, फोकस कर ले मेरे भाई, फोकस पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है रियलिटी और हाई गेमिंग परफॉर्मेंस, क्वाड AI कैमरा 48 MP 16 MP का फ्रंट कैमरा है, सुपर चार्ज 18 W। या मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है मैं थोड़ी सी लाइट दूर की है शायद उसके रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इधर 18 W सुपर चार्ज, 5000 mAh की बैटरी, डुअल स्पीकर्स ऊपर भी नीचे भी हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो अब विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग यार इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर मैंने बोलिविया ब्लू लिया है तो उसको मैं खोल रहा हूँ, खुल रहा है
खुल गया। मैं पहले बता दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, ठीक है, कोई कंपनी इन्फिनिक्स एलियोर कुछ कोई कंपनी से नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि यार मैंने ये यूज़ किया हुआ है मोबाइल, तो कुछ यूज है, मैंने दोबारा पैक किया है इस मोबाइल को, तो यप इसको हम जो है पावर ऑन कर लेते हैं आपके सामने। अच्छा ये पावर ऑन ही है, शिट, ये देख सकते हैं आप कि ये जो इसकी कैम, ये जो इसका लेंस है, ठीक है, जो इसका लेंस है वो बिल्कुल ईकल की आई में मैच हो रहा है। रियर पे अगर हम बात करें, प्लास्टिक बॉडी, ओके, और इधर इन्फिनिक्स नोट लिखा हुआ गया है, और इधर लिखा गया है डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स एयर क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल्स। इधर चार कैमरा का हमें सेटअप मिलता है, ठीक है, तो यस हमें 48 मेगापिक्सल्स का इधर सेटअप मिलता है, 48 चार कैमराज हैं, नीचे फ्लैश है, राउंड उन्होंने दिया हुआ है, और ये साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट सेंसर है। अच्छा गाइस, तो ये मैंने कुछ इंस्टॉल की नहीं ऐप्स, पबजी वगैरह, ठीक है, खेला है मैंने, सारा चेक किया है, पबजी भी बिल्कुल ठीक चलती है, एंड कैमरा मैंने खोल लिया है। अच्छा इसका डब्बा ही ले आओ यार, अभी मैं आपको एक फ़ोटो लेता हूँ फिर बताता हूँ। यार आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी जो है कैमरे की बहुत अच्छी है, इसने बहुत क्लियर फ़ोटो ली है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपको अगर 48 मेगापिक्सल आपने लेना है तो ये आप ऊपर देख रहे हो 48 ग्रीन, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैं ऑन कर लेता हूँ 48 मेगापिक्सल ऑन। आपको यहाँ से ऑन ऑफ करना पड़ेगा वरना ये खुद जज नहीं करेगा। और नीचे आप देख सकते हो ये कुछ फूल बना हुआ है, तो इधर हम क्लिक करेंगे तो ये है भाई सुपर मैक्रो लेंस है ये, फोर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कर सकते हैं, ये देखो यार कितनी उसने क्लियर ली है। और इसके अंदर आपको एक वीडियो मिल जाती है, वीडियो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसको बंद भी कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, ठीक है। और एआई कैमरा है हमारे पास, ब्यूटी मोड है और बोके मोड है, सुपर नाइट मोड के अंदर भी इसके अंदर है, ये भी आपको कर दूंगा। इसके अंदर एआई शॉट्स हैं एंड उसके बाद पेनारोमा है, डॉक्यूमेंट्स, इसको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बहुत क्लियर कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, अगर हम फोटो लें डॉक्यूमेंट्स की तो। अब बाकी यार कुछ अच्छा मोबाइल है, ठीक है, मज़ेदार है, मैं बुरा भी नहीं कह सकता इसको, अच्छा फ़ोन है यार। और तो बाकी हम एक्सेसरीज पे नज़र डाल लें, तो मैंने कहा यार खुला हुआ पहले इसलिए यार इग्नोर करो। तो सबसे पहले हमें सिम इंजेक्शन टूल मिल जाती है जो कि इस शेप में रखी गई है, ठीक है, इस शेप में रखी गई है, इसको उधर रखते हैं, मिस करो, और यहाँ से इसको खोल लो, तो हमें एक केस देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि एक सिलिकन केस है। और आपको इधर फिंगरप्रिंट कटआउट भी मिलता है क्योंकि ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, और गोल दायरा नीचे आपको टाइप सी तो नहीं है इसके अंदर यार, जो कि कर सकते थे। इधर आपको स्पीकर्स की जगह ऑक्स की जगह माइक्रोफोन, ठीक है। अच्छा यार मैंने इसके ऊपर ना स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है लगा के, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि भाई जो डब्बे के अंदर आता है वो जो है एक प्लास्टिक शीट है, ठीक है, जो डब्बे के अंदर आता है वो एक प्लास्टिक शीट है, तो आप उसे ना लें, आप स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीद लें 250 का, हम सही खरीद लें जहाँ से मैंने ये बाय किया था। तो यार मैं उसके बातों में आ गया, मैंने कहा चलो ठीक है यार लगा दो। अब मैंने लगा दिया और मैंने नोटिस किया कि इसकी वजह से जो है टच कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है थोड़ा सा, और डैट्स वाई थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा उसको मैं ज़ोर से दबाता हूँ, और जो कि मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं उतार दूँ और इसके साथ आया है ये लगा लूँ। आई टेल यू वाई, क्योंकि ये एक ओरिजिनल आया है एंड यू कैन नॉट से इट्स अ प्लास्टिक, ठीक है, ये फुल प्लास्टिक है, एक मोटा है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, शीशा और प्लास्टिक के दरमियान में आया है। तो इधर हमें ये कटआउट दिया गया है और दी कैमरा, अगर ये मेरा कैमरा कर ले इसको कैप्चर, देख सकते हैं आप ये कटआउट है, और ये कुछ स्टिकर्स हैं कि हम उतारेंगे इसको, ठीक है, चिपको चिपको है ना,
इधर बहुत, तो इधर हम उतारे हैं उसको स्टिकर को, फ्रंट से भी बैक से भी। तो ये था, और ये मुझे अच्छा लगा था बाय द वे। अगर ये पहले से लगा तो मोबाइल वो ज़्यादा प्रेफरेबल था, पहले से लगाना चाहिए था, जो कि मैं भी समझता हूँ पहले से हो तो अच्छा है, ठीक है। और वैसे बाकी चलते हैं, बड़ा बड़ी बातें होगी। तो इधर हमें एक्स क्लब सुपर कॉम्प्रीहेंसिव ऐप, ठीक है, एक ऐप है जो कि देखती रहती है आपको नॉलेज। और इधर बहुत गंद हो गया है। सिम इंजेक्शन टूल हम यूज़ करते हैं अभी, सिम सिचुएशन देखते हैं। इधर से हम निकाल लें इसको। अच्छा ये मुझे बड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है खोलने के लिए। देखो अड़ है बिल्कुल, टेक्नो स्पार्क 4 जैसा उसका सेटअप है सारा, ठीक है। सिम मैंने डाली हुई थी पहले से, देख सकते हो, एक माइक्रो एसडी और दो सिम्स। वापस डालो सिम, तो अभी मैंने वापस डाल लिया। ये मेरा फेस रिकग्नाइज कर रहा है इधर, हेलो, तो कॉल आ गया, सॉरी। बाकी एक्सेसरीज की बात करें, बॉक्स के अंदर तो हमें एक चार्जर ब्रेक में देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये जो चार्जिंग ब्रेक है, ये अगर हम बात करें इसके सारे वोल्टेज सब कुछ चीज़ों की, तो ये जो ब्रेक है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, 22.5 volts, ठीक है, कि उसके ऊपर ये आपको सपोर्ट करती है। हालांकि मोबाइल सिर्फ 18 वॉट सपोर्ट करता है, लेकिन ये 22.5 volts सपोर्ट करती है, विच इज़ अ गुड थिंग। बात करें तो टाइप सी नहीं है, जो कि आई गेस एक ये टाइप सी रख सकते थे, ठीक है। तो यस यार, अनबॉक्सिंग बस यही बनती है। कैमरा ज़रा उतारूँ स्टैंड से, ठीक है। तो ये सारा देखो गंद मचाया मैंने, मुझे सफाई करनी पड़ेगी सारी, ठीक है, सफाई करनी है अभी मुझे सारी। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है, अगर आपको फ़ोन अच्छा लगा है इन्फिनिक्स, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पर्सनली, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई एम न्यू। और प्लीज़ मेरे चैनल का ग्रो करें, और इन्फिनिक्स नोट 7 की अनबॉक्सिंग बताएं आपको कैसी लगी है। तो अगर आपको लगी है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।